अस्सलाम वालेकुम, मैं एहतिशाम शामी और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़ एंड नॉलेज। तो जो हमारी पिछली वीडियोस थी कि सोचिए और पैसा कमाइए, कुछ लोगों को तो ये वीडियो शेख चली वाली लग रही होगी, पर नहीं, ऐसी बात नहीं है। इन वीडियोस और जो मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ इसके अंदर वाकई में ऐसे लोगों की कहानियाँ हैं जो ज़ीरो से हीरो बने। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कामयाबी के 6 उसूल, ऐसे उसूल जिन पर ज़ीरो से हीरो बनने वाले लोगों ने 95% ऐसे कामयाब लोग जिन्होंने इन हिदायात पर अमल किया और आज वो एक कामयाब लोग और बिजनेसमैन हैं। कामयाब लोग बिजनेसमैन और कामयाब जॉब्स यानी एज अ मैनेजर CEO मुख्तलिफ वो कामयाबी के सीढ़ियों के ऊपर आज वो मज़े ले रहे हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप एक कामयाबी के उन उसूलों को जान सकें कि जिन उसूलों पर अमल करके आप वाकई में कामयाब हो सकें, आपके पास वाकई में वो दौलत आ सके जिसको आप अभी तक सोच ही रहे हैं, और वो कैसे आपकी सोच से सच्चाई में तब्दील होगी, तो पढ़ते हैं हम इस किताब को। जब इंसान में रुपया की अहमियत और इससे हासिल होने वाले फ़वाद समझने की सलाहियत बेदार होती है तो उसे पैसा की ख्वाहिश होने लगती है। लेकिन सिर्फ ख्वाहिश करने से पैसा या रुपया हासिल नहीं हुआ करता। इसके लिए इंसान को पहले अपना मकसद हयात हुसूल दौलत बनाना चाहिए और इस मकसद को अपने जहन में इतनी परवरिश देनी चाहिए कि वो इसके हासिल हुए बगैर सुकून से ना बैठ सके। जब जहन में ये कैफियत पैदा हो जाए तो फिर इसकी जानब अमली इकदाम के लिए तजावीज़ और लाइलाए अमल मुरतब करने चाहिए। और जब ऐसी काबिल अमल तजावीज़ बन जाएँ तो फिर वो अपने इस्तकलाल और साबित कदमी से अमल पैरा हो जाए और नाकामी को किसी कदर इसी मंजिल पर कबूल ना कर सके। पहला उसूल ये है कि अपने जहन में इस दौलत की मकदार का तयन कीजिए कि आपको कितनी दौलत चाहिए। सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं है कि मुझे दौलत चाहिए या बहुत सारी दौलत चाहिए, ये चीज़ कहना काफ़ी नहीं है। मकदार के मुताबिक कतियत जाहिर करना नहायत ज़रूरी है कि मुझे इतनी दौलत चाहिए कि मैं अपने लिए एक कुछ भी कर सकूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने लिए गाड़ी ले सकूँ, घर ले सकूँ और अपने लिए एक अच्छा बिज़नेस लगा सकूँ। क्या बिज़नेस हो अब उसके अंदर बंदा के मेरे पास तो पढ़ाई नहीं है, मैं किस तरह बिज़नेस करूँगा? भाई आप ईंटों का भट्ठा तो लगा सकते हैं ना, आप कम से कम कोई दुकान, आप कोई 2-3 गाड़ियां तो ले सकते हैं ना उस दौलत के साथ, और वो गाड़ियां दोबारा 2-2 लाख 3-3 लाख या 1,50,000 प्रॉफिट में सेल कर सकते हैं। आप अपने लिए थोड़ी सी ज़मीन लेके उसको एज अ प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं। उसके लिए कोई आपको तालीम डिग्री तो नहीं चाहिए ना, आप अपने लिए एक ट्रक लेके उसको ड्राइवर को दे के महाना उसकी आमदन से कुछ फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आप इस तरह के मुख्तलिफ काम, आप होटल डाल सकते हैं, आप कोई काम कर सकते हैं, उसके लिए आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा जो उसूल है वो ये है कि फिर ये तय कीजिए कि इस दौलत या रकम के मुआवजे में आप क्या देंगे। बिला मुआवजा किसी चीज़ के हासिल होने की तवक्को जो है वो एक आपस है, यानी एक शख्चली वाले ख्याल ही हैं कि आप कहें कि जी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कोई, अब क्या आप वक्त दे सकते हैं, आप अपनी सलाहियतें दे सकते हैं, आप अपने अंदर एक रूटीन पैदा कर सकते हैं, टाइम पर उठना, टाइम पर सोना, टाइम पर उन चीज़ों को जो है वो डिवेलप करना। तीसरा मकसद ये है कि एक तारीख मुकर्रर कीजिए जब तक आप चाहते हैं कि ये दौलत आपके कब्ज़े में आ जाए, यानी रकल आ जाए, आज मैं जो है रूटीन पे आ गया हूँ। नहीं नहीं नहीं, देखें, आपको पता है कि किसी कंपनी के अंदर एक बंदा, एक वर्कर लगता है तो वहीं पे वो तरक्की करता है 10 दिन में नहीं, 10 महीनों में नहीं, कम अज़ कम 5 साल में वो एक आम वर्कर से ऑपरेटर होता है, अगले 10 साल में वहाँ पर वो सुपरवाइज़र होता है, अगले 15 साल में वहाँ पर और तरक्की कर जाता है। ठीक है, तो इस तरह कुछ अपना टाइम सेटल करें ना, कि ये ना आपके जी मैं 1 साल के अंदर अंदर ही जो ये सब कुछ हासिल कर लूँ। ऐसे वाली बात जो है वो आपको सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए मिलती है, हासिल करने के लिए आपने बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसमें पीछे एक लिखा हुआ है वाक्या, तो उस वाक्य के अंदर बताया जा रहा है कि जो एडिसन का जो कारोबारी उसके साथ उसका पार्टनर है जिनका नाम है ओडन, तो वो जो हैं उन्होंने उनके साथ जब ये इरादा किया था तो सिर्फ उनके पास इरादे थे, और उनको वो हासिल कब हुआ पार्टनरशिप, उनकी कम से कम 8 साल की मेहनत के बाद, 8 साल तक उनके साथ मुलाजमत की है। ठीक हो गया। अब चौथा क्या है जी? चौथा ये है, हुसूल मकसद के लिए एक कतई तजवीज़ बना लें, एक ख़ास किस्म की अपने पास तजवीज़ लिख लें, रुका लिख लें और इस पर फौली अमल करना शुरू करते हैं। ख्वाह आप इस तजवीज़ को अमल में लाने के लिए तैयार हों या ना हो, पर अमल शुरू कर दें, लिख लें कम अज़ कम अपने पास। पाँचवा ये है कि साफ वाजे और मुख्तसर तौर पर एक आप टाइम टेबल बना लें जिसमें मकदार रकम, तारीख और वक्त जब तक आप ये रकम चाहते हैं कि आपको मिल जाए, आपकी तजवीज़ के ये इसके मुआवजे में क्या चीज़ दे सकते हैं लिख दें। आप क्या देंगे उस दौलत के बदले में, आप
क्या अपनी परफॉर्मेंस अदा करेंगे, आप किस तरीके से पेश आएंगे। आप अगर एक चीज़ के मालिक बन गए तो आप उसके बाद अपने वर्कर्स से कैसे पेश आएंगे, वर्कर्स कहाँ से लाएंगे, क्या क्या करेंगे, किन के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, किसको मुश्किल में डालेंगे, वगैरह वगैरह। छठा उसूल जो है वो बड़ा ख़ास है। आखिर में अपनी लिखी हुई तफसीलात पर जो है वो बुलंद आवाज़ रोज़ाना इसको पढ़ने की आदत डाल लें। कब कब डाल लें? सोते वक्त डाल लें, सुबह उठते वक्त डाल लें, और ये तसव्वुर कर लें कि आप जो चाहते हैं उसके मालिक बन चुके हैं। अब ऐसी आदत अपने अंदर लानी शुरू कर दें। पहले आप अपने अंदर आदत ले आएँ, चीज़ खुद बहुत आ जाए। अब चीज़ आ जाए, आते हैं आपके अंदर गरीबों वाली हों, अब आप एक गाड़ी में बैठे हैं और जब कहीं जा रहे हैं जी, रास्ते में कोई मसला आ गया, कोई और कोई चीज़ आ गया, आप अल्लाह के नाम पे आ रही है सेट कर देना, तो वो एक गाड़ी में, अच्छी गाड़ी में बैठा हुआ एक बंदा गरीबों वाली आते हैं तो वो ड्राइवर ही अच्छा लगता है, मालिक अच्छा नहीं लगता। जो छठी हदायत है, हिदायत है, इस पर अमल जो है शुरू में आपको मुश्किल लगेगा। किस तरह मुश्किल लगेगा? कि जब ये रकम हासिल ना हो जाए, जब तक ये रकम हासिल ना हो जाए, आप अपने आप को इस कसीर रकम का मालिक तसव्वुर करें जिसका एक जुजू तक भी आपके पास अभी मौजूद नहीं है, तो आप इसकी शदीद आरजू मकसद हयात आपकी मदद करेगी। जो आपकी मकसद हयात है, ज़िंदगी का जो मकसद है, वो आपकी मदद करेगी। भाई मेरी ज़िंदगी है, मैं एक इंसान हूँ और इंसान ही इस तरह ज़ीरो से हीरो बने तो मैं भी बन जाऊँगा। ये आपकी जो ख्वाहिश है, ये आपको हुसूल दौलत की तरफ लेके जाएगी। अगर हकीकत में हुसूल दौलत आपका मकसद है और इतना है कि आप इसके बगैर जी नहीं सकते हैं, तो आपके लिए अपने आप को ये यकीन दिलाना मुश्किल ना होगा कि आप इस दौलत का मालिक अपने आप को तसव्वुर जब तक ना कर लें। मतलब ये है कि आपको दौलत हुसूल और रुपया कमाने की ख्वाहिश हो जाए और ये इतनी कतई और शदीद हो कि आप अपने आप को यकीन दिला दें कि आप इसे हासिल करके रहेंगे। ठीक हो गया, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाला जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका आगे, क्योंकि शुरू शुरू में कोई चीज़ मज़ा नहीं देती है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है ना, तो उसके अंदर जो है ना वो एक इन्जॉयफुल और आपको इन्फॉर्मेशन में इजाफा और वो चीज़ें आपको हासिल होने लग जाती हैं जो मैं थंबनेल पे दे रहा होता हूँ। जैसे मज़े का थंबनेल मैंने बनाया होता है, आप क्योंकि इतने मज़े का थंबनेल है, बीच में ये बड़बड़ बड़बड़ करके हमारा टाइम ज़ाया करते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। आपको नेक्स्ट जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, अगले पार्ट्स हैं, असल मज़ा आपको उनमें आएगा। शुरू वाले पार्ट्स आप देखेंगे नहीं तो अगले पार्ट्स को सही तरीके से समझेंगे नहीं, क्योंकि हमेशा कहानी शुरू में मज़ा नहीं देती और आखिर में, आपको पता है फिल्म में भी फाइटिंग होती है शुरू शुरू में ऐसी, 1947 में ये हुआ था, फिर ये हुआ, करते करते आखिर में आपको मज़ा आने लग जाता है। तो वैसी ही ये किताब है, हर किताब वैसी ही होती है। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।